हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बिल्कुल नई रेसिपी लेके आई हूँ और ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी होने वाली है, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो ये देखिए, मैंने कढ़ाई रखी है, कढ़ाई में घी डाला है, तो घी को गर्म होने देते हैं। और ये मैंने देसी घी लिया है, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, हमारा घी गर्म हो चुका है। ये ली है मैंने गोंद, गोंद को डाल देंगे। और ये रेसिपी ठंडी और स्पेशल है, आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए, इसको मध्य आंच पर चलाते हुए पकाएंगे। ये देखिए, हमारी गोंद अच्छे से फूलने लगी है। ये देखिए कितने अच्छे से फूल गई है। थोड़ी सी और ऐसे ही चलाते हुए पकाएंगे। हमारी गोंद अच्छे से सिक चुकी है, तो अब इसको निकाल लेंगे। तो देखिए, ये कैसे छन्नी पर रखेंगे ताकि हमारा घी नीचे कढ़ाई में चला जाए और गोंद इस पे आ जाए। चिरौंजी दाने लिए मैंने, तो इनको भी डाल देंगे। आंच लो रखेंगे। चिरौंजी दाने भी सिक गए हैं, तो इनको सेंकने में 1 मिनट लगा है, ज़्यादा नहीं सेंकना है, तो इनको निकाल लेंगे। ये मैंने बादाम लिए हैं, तो इनको भी डाल देंगे। ये देखिए, हमारे बादाम भी अच्छे से तल चुके हैं, तो इनको भी निकाल लेते हैं। काजूओं को भी डाल देंगे। देखिए, हमारे काजू भी सिक चुके हैं, तो इनको भी निकाल लेते हैं। ये मैंने हरी पिस्ता ली है, तो इसको भी तल लेंगे। ये मैंने छुआरे लिए हैं, तो इनको भी तल लेंगे। और इनको तोड़ लिया है, तो आप लोग देख सकते हैं। ये हमारे छुआरे भी तल गए हैं, तो इनको भी निकाल लेते हैं। दूसरा घी ले लिया है। ये मैंने मखाने लिए हैं, तो ये मैंने करीब 1.5 कप मखाने लिए हैं, तो इनको डाल देंगे और इनको ऐसे मिक्स करेंगे। घी की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं मखाने तलने के लिए। मखाने सिक चुके हैं, गैस को बंद कर देंगे। अब इनको ठंडा होने देते हैं। मखाने हमारे ठंडे हो चुके हैं, तो इनको अब ग्राइंड कर लेंगे और ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे, थोड़ा सा मोटा रखना है। ये देखिए, मखाने ग्राइंड कर लिए, एक बाउल में डालते जाएंगे। सारे ड्राई फ्रूट इसी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। ये सब चीज़ें डाल देंगे, काजू, बादाम, छुआरे, ये सब डाल देंगे। हल्का सा ग्राइंड करेंगे। ये देखिए, ग्राइंड कर लिए हैं, तो इनको भी डाल देंगे। एक बाउल में मिक्स करते जाएंगे। जो गोंद थी, तो इसको भी डाल देंगे। ये गोंद भी डाल देंगे इसी में। और गोंद डालने से बहुत ही टेस्टी लड्डू बनते हैं और हेल्दी भी होते हैं। जिसकी कमर दुखती है, मतलब जैसे कमर अमर दुखती है ना, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें खाना। एक बार लड्डू खा लीजिए, पूरे दिन एनर्जी रहेगी। तो इन सबको अब मिक्स कर देंगे। यहाँ पे देखिए, मैंने कढ़ाई रखी है और इसमें डालेंगे देसी घी। तो ये देसी घी मैंने डाला है, करीब 1/2 किलो घी है। तो आप लोग अपने हिसाब से ले सकते हैं घी। तो देखिए, घी थोड़ा सा गर्म होने देना है हमें, ज़्यादा गर्म नहीं होने देना है। घी देखिए, हमारा थोड़ा सा गर्म हो गया है। 1 किलो गुड़ लिया है, तो इसी में डाल देंगे गुड़। तो जीरा मैंने 3 टेबल स्पून लिया है, और जीरा इन लड्डुओं में बहुत ही टेस्टी होता है, तो जीरा डाल देंगे। 1 टेबल स्पून हल्दी ली है, तो इसको भी डाल देंगे। हल्दी और जीरा को अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरीके से लड्डू बनाने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, आप लोग ज़रूर बनाइए। ज़्यादा पकाना नहीं है, बस मेल्ट करना है। 2 टेबल स्पून मैंने खसखस ली है, तो इसको भी डाल देंगे। अब थोड़ा सा खसखस को 2 मिनट पकाएंगे और गैस को बंद कर देंगे। यहाँ पे देखिए, एक मैंने बड़ा बर्तन ले लिया है। आटे को मैंने घी डाल के अच्छा सेंक लिया था। सेंकने में पाव भर घी लगा था, तो ये कम से कम 2 किलो आटा है, तो अच्छे से इसको सेंक लिया था मैंने। तो इसको इसमें डाल देंगे बड़े बर्तन में। ये जो किनारे थे, तो इनको भी डाल देंगे।
आटे में ड्राई फ्रूटों को मिक्स कर देंगे। दो कटोरी मैंने चीनी ले ली थी तो उसका पाउडर बना लिया है, तो इसको भी डाल देंगे। मैं चीनी और गुड़ के लड्डू बना रही हूँ, आप लोग गुड़ या चीनी के अकेले भी लड्डू बना सकते हैं। तो देखिए इनको मिक्स कर देंगे। गुड़ और घी को डाल देंगे इसी में, तो बिल्कुल देसी तरीके से लड्डू बन रहे हैं, बहुत ही हेल्दी होने वाले हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन सबको। तो ये देखिए इतना लेंगे और अपने हिसाब से छोटे बड़े लड्डू कर सकते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से बन रहे हैं, बिल्कुल आसानी से बन जाते हैं। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं, तो ऐसे बनाते हुए जाएंगे। तो ये देखिए मैंने दूसरा भी बना लिया है, इसको रख देंगे। ये देखिए हमारे लड्डू बनके तैयार हैं, आप लोग देख सकते हैं कितने टेस्टी दिख रहे हैं और बहुत ही टेस्टी बने हैं। और एक लड्डू खाइए, दिन भर ताकत रहेगी। तो देखिए कितने अच्छे से फूट भी रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार हों तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।